जहां एक तरफ आज शाहरुख खान साहब अपनी फिल्मों की वजह से अपने खोते स्टारडम को देखते हुए टेंशन में चल रहे हैं, वहीं पर सलमान खान साहब के सितारे बुलंदियों पर है। पर एक वक्त ऐसा भी था कि सलमान ने की एक मिस्टेक और शाहरुख खान साहब की किस्मत खुल गई। क्या है किस्सा, बताते हैं हम आपको। Hey guys, WhatsApp, नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट, जहां पर आपको मिलती है बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें। सबसे पहले मैं बात आज की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साल 1993 यानी कि 1993 की। एक बहुत ही स्पेशल ईयर था शाहरुख खान साहब के लिए। रीजन था उनकी फिल्म बाजीगर, जिसे कई सारे अवार्ड मिले थे। इवन शाहरुख खान साहब को इस फिल्म के लिए अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। लेकिन उस वक्त ये सब हुआ क्योंकि सलमान ने एक गलती कर दी थी। दरअसल बाजीगर पहले ऑफर हुई थी सलमान खान साहब को। जी हाँ, बाजीगर में जो शाहरुख खान साहब का किरदार था, वो किरदार दिया गया था पहले सलमान खान को, लेकिन सलमान खान ने रिजेक्ट कर दी। अब उसका कारण क्या? दरअसल सलमान खान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो नेगेटिव रोल करें, इसीलिए उन्होंने फिल्म बाजीगर को ठुकरा दिया। फिर क्या था, आ गई फिल्म शाहरुख खान साहब के हाथ में, मिला उन्हें ऑफर और ये फिल्म कई सारे अवार्ड ले गई और शाहरुख खान साहब को मिल गया उनके फिल्मी करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं कि शाहरुख खान साहब बॉलीवुड के किंग हैं, लेकिन आज की फिल्मों की बात की जाए तो जनाब, आजकल शाहरुख खान साहब की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। हाल ही में उनकी जब हैरी मेट सेजल का हालचाल देखा जाए तो बहुत बुरे तरीके से निराश किया उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर। और वहीं पर सलमान खान, जिनकी वजह से शाहरुख को मिला था उनकी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए, वो सलमान आजकल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। इतना राज कर रहे हैं कि उनकी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के ट्रेलर ने आते ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। आलम तो ये है कि सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है से कोई भी फिल्म टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। और ये बात सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों की नहीं है, बल्कि हॉलीवुड की भी दो फिल्में रिलीज होने वाली थी टाइगर जिंदा है के आसपास, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपनी डेट को पोस्टपोन कर दिया है, अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ये है जलवा आज के सलमान खान साहब का। लेकिन उस वक्त अगर एक मिस्टेक नहीं हुई होती तो बाजीगर में शाहरुख की बजाय शायद हमें दिखे होते सलमान खान। फिलहाल फिल्मी बीट में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।